हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इजी एनसीईआरटी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जान लेंगे कि भिन्न क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन। भिन्न दोस्तों, अगर हम भिन्न की जो है डेफिनेशन देना चाहें, एक बहुत बेसिक डेफिनेशन, तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को कई बराबर भागों में बांटा जाए, बराबर भागों में बांटा जाए और उसमें से कोई एक भाग ले लिया जाए, कोई एक भाग ले लिया जाए तो उसे भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? भिन्न। तो उसे भिन्न कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, हमने कोई वस्तु ले लिया, मान लिया हमने एक आयत लिया, इसके हमने क्या कर दिए? दो टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या है आपका, 1/2, और ये क्या है? 1/2। अच्छा, जैसे अगर आपको ये समझना है तो आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे हमने लिया पहले कितना, एक लिया था वस्तु, उसके कितने भाग किए थे? दो, और उसमें से हम कितना भाग ले रहे हैं? एक। तो इस एक को क्या बनाएंगे हम? अंश, और हमारे जितने भाग हुए थे उसे बनाएंगे हर, और बीच में एक चिन्ह लगाते हैं, चिन्ह कहते हैं बटा। तो एक क्या है आपका? अंश है, और दो क्या है? हर है। आप जितना भाग बनाएंगे वो किसका काम करता है? हर का काम करता है, और उसमें से जितना पार्ट आप लेते हैं वो किसका काम करता है? अंश का। ठीक है, तो ये जो आपके दोनों भाग बने हैं, अगर इसमें से हमने ए पार्ट लिया है तो ये क्या है? पूरे का 1/2 है। ठीक है, और अगर हम दूसरी परिभाषा इसकी देना चाहें तो कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q, देखिए ना, यहाँ पर P/Q रूप में लिखा गया कि नहीं, P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P और Q धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो इसे हम भिन्न कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ऐसे की और भी देखिए, यहाँ जो पहली मैंने परिभाषा दी आपको, किसी वस्तु को कई बराबर भागों में बांटा जाए और उसमें से कोई एक भाग ले लिया जाए तो उसे भिन्न कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो भिन्न होता है, ठीक है, भिन्न आपका किसी पूर्ण के एक भाग को दर्शाता है। ठीक है, किसी पूर्ण वस्तु के एक भाग को दर्शाता है। भिन्न किसी पूर्ण वस्तु, अच्छा जरूरी नहीं कि यहां पर एक ही वस्तु, कई वस्तुएं भी हो सकती हैं, लेकिन उनके एक भाग को दर्शाएगा। भिन्न किसी पूर्ण वस्तु के एक भाग को, अच्छा कोई भी एक भाग, मान लीजिए हम जो है, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया कोई आयत है,
इसे हमने तीन भागों में बांट दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1/3, 1/3 हमने तीन भाग बांटा। और हम एक भाग अगर ले रहे हैं तो इसका देखिए, एक हम ऊपर लिखेंगे और तीन नीचे, 1/3, 1/3, 1/3। और इसमें से अगर हमने दो भाग ले लेते हैं, क्या है 2/3 हो गया आपका। तो वस्तुओं के एक भाग यहाँ एक का मतलब ये नहीं केवल एक ही लें, ठीक है। अगर दो भाग लेंगे तो भी क्या होगा हमारा, भिन्न। वस्तुओं के एक भाग को दर्शाता है। ठीक है। अब ये भिन्न जो है कई रूप में हो सकती हैं। इसे आपकी हो गए संक्षिप्त भिन्न। तो संक्षिप्त भिन्नों की भी हम चर्चा करेंगे। संक्षिप्त भिन्न इन्हें कहते हैं लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शंस। संक्षिप्त भिन्न क्या होती हैं? ऐसे भिन्न जिनके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है। ऐसे भिन्न जिसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी जो उसके अंश और हर हैं वो परस्पर क्या है, सह अभाज्य है, ठीक है। जैसे 2/5 हो गया आपका, 3/4 हो गया, 1/2 हो गया, ये सब क्या है, संक्षिप्त भिन्न है, ठीक है। दूसरा जो है हमारा है उचित भिन्न, ये वो भी देख लेते हैं। उचित भिन्न क्या है? उचित देखिए, इसे सम भिन्न भी कहते हैं, उचित या सम भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए यहां पर जो उचित आया है, जो हमने भिन्न की पहली परिभाषा दिया कि यदि किसी वस्तु को हम कई टुकड़ों में बांट दें और उसमें से कोई एक टुकड़ा लें तो क्या होगा, भिन्न होगा। तो ये कहती है कि आपने ऐसे वस्तुओं को कई बार भागों में बांट दिया, मान लीजिए आपने दो भागों में बांटा और उसमें से कितना लिया, एक भाग लिया, तो ये क्या है, उचित भिन्न है। यानी देखिए यहाँ पर जो आपका हर है वो क्या है, अंश से बड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, या विरोध में आप कह सकते हैं जिसका हर अंश से बड़ा हो, ठीक है। ऐसे भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। और अब देखिए यहां पर जब हमारा हर बड़ा रहेगा तो यानी जो है हम वस्तुओं के जितने टुकड़े कर रहे हैं उसमें से कुछ ही तो ले रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 आपका हो गया, 2/3 हो गया। यहाँ पर देखिए तीन टुकड़े किए गए, उसमें से कितने लिए गए, केवल दो लिए गए आपका, ये 5/6 हो सकता है। यहाँ इसका मतलब ये है कि वस्तु के कितने टुकड़े किए गए, 6, उसमें से कितने लिए गए हैं, 5, ठीक है। तो ये देखिए
जो भिन्न की डेफिनेशन उस पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा है अनुचित भिन्न। अनुचित, अब देखिए नाम से ही स्पष्ट है, ये जो भिन्न की डेफिनेशन थी, जो बेसिक वाली डेफिनेशन हमने बताया आपको, उस पर थोड़ा सटीक नहीं बैठती। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कहती है कि ये है ऐसी भिन्न जिसका जो अंश है वो हर से क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखिए सिम आप ले सकते हैं यहाँ पर 5/2। यहाँ ये बता रहा है कि वस्तु के हम कितने भाग कर रहे हैं, दो, और कितने भाग ले रहे हैं, पांच। तो क्या हो सकता है ऐसा, आप वस्तु के दो टुकड़े करें और पांच टुकड़े ले लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए ये आपका, अगर हम इसे मिश्रित भिन्न बदलेंगे तो ये हो जाएगा, आप पांच में भाग दें दो का, 2 × 2 = 4, ठीक है, यहाँ एक शेष बचेगा, तो ये हो गया आपका 2 सही 1/2। यानी यहाँ पर जो दो वस्तुएं कंप्लीट थी उनके साथ 1/2 और ऐड कर दिया गया, तब जाकर हमें क्या मिला, 5/2। ठीक है, तो इसलिए ये जो 5/2 क्या है, अनुचित भिन्न है, क्योंकि ये तो एक कंप्लीट वस्तु, कंप्लीट जो है संख्या से, या फिर कह सकते हैं कंप्लीट वस्तु है, और अगली क्या है, वस्तु का कोई भाग है। ठीक है, तो कह सकते हैं अनुचित भिन्न ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, उसे अनुचित भिन्न कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसमें 5/2 आपका हो गया, ठीक है, 6/2 हो गया, 7/2 हो गया, इत्यादि। तो जो इस तरह की भिन्नें हो कैसी होंगी, अनुचित भिन्नें। ठीक है, क्योंकि जो भिन्न की डेफिनेशन वो कहती है कि आपको जो है कोई वस्तु लेनी है, उसका टुकड़ा करने हैं, और उसमें से कोई एक टुकड़ा लेना है। ठीक है, जब कोई एक टुकड़े मतलब ये नहीं कि आप जो है एक ही टुकड़ा लेंगे, जैसे आप उसमें से मान लीजिए आपने वस्तु के 3 भाग किए तो 2 भाग ले लिए, ठीक है, 2/3 आपने ले लिया, तो वो क्या है, उचित है। ठीक है, वो भिन्न कैसी होगी, उचित। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि वस्तु का टुकड़ा यहाँ पर देखिए 2 कर रहे हैं, लेकिन ले कितना रहे हैं, 6। ठीक है, तो ये क्या है, अनुचित है। अगला हमारा है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न यानी अंग्रेजी इसके है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्र यानी मिली हुई। ठीक है, जैसे हमने 5/2 को बताया कि ये 2 कंप्लीट है और उसमें 1/2 ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो यानी ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न जो एक कंप्लीट नंबर, लेकिन नंबर आपकी कैसी हो, धनात्मक पूर्णांक हो, या फिर कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या। तो ऐसी भिन्न जो एक प्राकृतिक संख्या संख्या और एक उचित भिन्न भिन्न से मिलकर बनी हो, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं, कहते हैं। जैसे
आपका हो गया 2 सही 1/2, 3 सही 1/3, 5 सही 1/2 इत्यादि। यहाँ पर देखिए तो 2 क्या है आपका, एक कंप्लीट है और उसमें 1/2 और जुड़ा है, फिर 3 कंप्लीट है इसमें 1/3 और जुड़ा है, 5 कंप्लीट है फिर इसमें 1/2 और हमने जोड़ दिया है, ठीक है। अगला हमारा मिश्रित भिन्न, अगला हमारा टॉपिक है मिश्रित भिन्न। चलिए इसे भी देख लेते हैं, मिश्रित भिन्न क्या है। मिश्रित भिन्न यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ऐसी भिन्न जिसका अंश और हर दोनों भिन्न हो, या फिर केवल अंश भिन्न हो या केवल हर भिन्न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्न जिसका अंश या हर या अंश और हर दोनों, अंश और हर दोनों भिन्न हो, भिन्न यानी फ्रैक्शन हो, उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न कहते हैं, जैसे आपका हो जाएगा 2/5 पूरे 1/5 आप लिख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, मिश्रित भिन्न है, जैसे 2/5 अब पूरे 1/5। तो यहाँ देखिए जो अंश है वो भी क्या है आपका, एक भिन्न है, और हर भी क्या है आपका, एक भिन्न है। तो ये कैसे भिन्न है, मिश्रित भिन्न है, या फिर 2/5/3 ये भी मिश्रित भिन्न है, ठीक है। आप ले सकते हैं हमारी 4/7 पूरे 1/8 ये भी क्या है, मिश्रित भिन्न है। तो इस तरह से जो भिन्न आपको दिखाई देती हैं वो कैसी भिन्न होती हैं, मिश्रित भिन्न होती हैं, ठीक है। जहां पर भी आपको इस तरह की भिन्न दिखाई दें उन्हें आप कहेंगे मिश्रित भिन्न। और अगला हमारा टॉपिक है सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न जरा देख लेते हैं, यानी लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं। सजातीय भिन्न लाइक फ्रैक्शंस, सजातीय यानी वो भिन्न कैसी हो, एक जैसी हो, या सजातीय कब होंगी, देखिए एक जैसी होंगी और उनका जो है क्या रहेगा, हर सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा, ठीक है। ऐसी भिन्न जिनका हर कैसा हो, समान हो, उनका हर समान हो, उन्हें सजातीय भिन्न कहते हैं। सजातीय भिन्न कहते हैं, जैसे आप यहां ले सकते हैं 1/7, 2/7, 3/7, 4/7। देखिए सबके हर यहाँ पर कैसे हैं, समान है, तो ये भिन्न कैसी हैं, सजातीय भिन्न है, ठीक है। आदि और भी आए और भिन्न हो सकती हैं ऐसी। अगला हमारा टॉपिक है इसमें समतुल्य भिन्न। समतुल्य यानी इक्विवेलेंट, ठीक है, जिनका संक्षिप्त रूप कैसा हो, एक ही हो, समतुल्य भिन्ने यानी इक्वी
वैलेंट फ्रैक्शंस। चलिए इसे भी देख लेते हैं। ऐसी भिन्ने जिनका संक्षिप्त रूप एक ही हो उन्हें समतुल्य भिन्ने कहते हैं। समतुल्य भिन्ने कहते हैं, जैसे आप यहां पर ले सकते हैं, मान लीजिए आपने लिया 1/2, ठीक है, फिर 2/4 और 4/8 और 8/16, ये जो हैं कैसी भिन्ने हैं, समतुल्य भिन्ने हैं। क्योंकि अगर आप इसे देखिए संक्षिप्त रूप में लाएंगे तो 2 * 2, 2 * 2 = 4, 1/2 ही है, फिर 4 * 4, 4 * 2 = 8, वो भी क्या है 1/2, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1/2 = 4/2 = 4/8 = 8/16। देखिए सब कैसे हैं आपस में बराबर, ठीक है, इनका संक्षिप्त कैसा है, एक जैसा। हमारा अगला टॉपिक है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस। व्युत्क्रम भिन्न वे भिन्न होंगी जो एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो, विपरीत, ठीक है। हम यहां कह सकते हैं किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल देने पर, आपस में बदल देने पर उसकी व्युत्क्रम भिन्न प्राप्त होती है। उसकी व्युत्क्रम भिन्न प्राप्त होती है। जैसे आपको 2/3 की व्युत्क्रम भिन्न बतानी है तो आप क्या करेंगे, इसके अंश और हर को आपस में बदल देंगे, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा वीडियो था ये भिन्नों की संकल्पना पर आधारित था, इसमें हमने देखा भिन्न क्या है, उनके रूप क्या है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।